हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर। कि अगर एक वायर है, सपोज करो स्टील का वायर है या कॉपर का वायर है या ब्रास का वायर है, तो उस वायर का हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, यंग्स मॉड्यूलस। तो इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर। कि अगर हमारे पास कोई वायर है तो उस वायर के मटेरियल का, मतलब हमें अगर स्टील का वायर है तो स्टील का क्या कैलकुलेट करना है, यंग्स मॉड्यूलस। अगर कॉपर का वायर है तो कॉपर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो वायर्स लेंगे। फर्स्ट वायर को हम कहेंगे रेफरेंस वायर एंड सेकेंड वायर इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल वायर। और ये जो एक्सपेरिमेंटल वायर है, सेकंड वायर, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, यंग्स मॉड्यूलस। ये दोनों जो वायर्स है वो सेम लेंथ के लेंगे, दोनों वायर्स की लेंथ सेम रहेगी, दोनों का जो रेडियस है वो सेम रहेगा, रेडियस यूनिफॉर्म रहेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं जगह रेडियस कम है कहीं जगह ज़्यादा है, ऐसा होगा क्या, नहीं, बिल्कुल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला हम वायर लेंगे। दोनों वायर्स की लेंथ सेम रहेगी, दोनों वायर्स का रेडियस सेम रहेगा, दोनों वायर्स का मटेरियल सेम रहेगा। अगर ये स्टील का वायर है तो ये भी क्या रहेगा, स्टील का वायर। जो फर्स्ट वायर है उसको हमने क्या कहा, रेफरेंस वायर। सेकंड वायर को हमने क्या कहा, एक्सपेरिमेंटल वायर। इस एक्सपेरिमेंटल वायर का हमें क्या कैलकुलेट करना है, यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, फिर इन दोनों वायर्स में फर्स्ट जो वायर है इस वायर में क्या लगी रहेगी, इससे हमने अटैच कर दी है स्केल, उस स्केल को हम क्या कहेंगे, मैन स्केल। फर्स्ट वायर को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट स्केल को हम कहेंगे मैन स्केल। और ये जो मैन स्केल है ये किस में रहेंगी, इन मिलीमीटर। और जो सेकंड स्केल है इसको हमने एक पॉइंटर की हेल्प से किससे कनेक्ट कर दिया है, सेकंड वायर से। ये जो सेकंड वाली जो स्केल है ये एक पॉइंटर है, इस पॉइंटर की हेल्प से इस सेकंड स्केल को हमने किससे कनेक्ट किया है, सेकंड वायर से। और इस सेकंड स्केल को हम क्या कहेंगे, वर्नियर स्केल। जो फर्स्ट स्केल है वो क्या है हमारी, मैन स्केल। सेकंड स्केल जो है वो क्या है हमारी, वर्नियर स्केल। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने किया इन दोनों वायर्स को एक रिजिड सपोर्ट से बांध दिया है। दोनों वायर्स के एक एक एंड को, इस एंड को पॉइंट ए से बांध दिया, इस एंड को पॉइंट बी से बांध दिया, और एक ऐसे सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट। फिर अब इनिशियली अगर एक नॉर्मल वायर है तो नॉर्मल वायर बिल्कुल स्ट्रेट होता है क्या, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा उसमें कुछ उसकी जो शेप है वो थोड़ा सा कर्व्ड हो जाता है, कुछ इधर उधर से मुड़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे दोनों वायर्स कैसे रहे, स्ट्रेट वायर रहे, स्ट्रेट वायर रहे। इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट वायर के नीचे एक पेन लगा दिया है, सेकंड वायर के नीचे भी एक पेन लगा दिया है। ये पेन क्या करेगा, इसके अंदर हम कुछ मास रख सकते हैं। तो फर्स्ट वायर के अंदर हम क्या रख देंगे, एक छोटा सा थोड़ा सा मास रख देंगे। जो हमारा सेकंड वायर है उसके अंदर भी जो पेन रखा है उसके अंदर भी हम क्या रख देंगे, एक छोटा सा मास रख देंगे। छोटा सा मास इसलिए रखेंगे ताकि ये वायर थोड़ा सा उस मास की वजह से स्ट्रेट हो जाए, दोनों वायर्स इन मासेस की वजह से क्या हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, इतना सा ही मास रखेंगे वो कि वो सिर्फ क्या कर दे, इन दोनों वायर्स को स्ट्रेट कर दे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये फर्स्ट वायर क्यों लिया, क्योंकि हो सकता है रूम के टेम्परेचर की वजह से इन दोनों वायर्स की लेंथ इंक्रीज हो जाए। जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की वजह से भी जो वायर है उसकी लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसलिए हमने दो वायर्स लिए हैं कि अगर फर्स्ट वायर की लेंथ चेंज होगी तो सेकंड वायर की भी उतनी ही लेंथ चेंज होगी, दोनों की लेंथ इक्वल चेंज होगी। इसीलिए हमें क्या पता करना है, हमें ये भी, हमें उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं करना है जो लेंथ किसकी वजह से चेंज हुई, किसकी वजह से चेंज हुई, टेम्परेचर की वजह से। इसीलिए हमने एक रेफरेंस के लिए फर्स्ट वायर ले लिया है, ताकि अगर फर्स्ट वायर में की लेंथ में अगर 0.1 मिलीमीटर का चेंज हुआ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, तो उतना ही चेंज किस में होगा, सेकंड वायर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड वायर पर क्या अप्लाई करेंगे, इस पर
कुछ मास रख देंगे, इस पर मास इंक्रीज करेंगे, तो जब इस पर मास इंक्रीज करेंगे तो ये मास क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये मास क्या करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स है वो किसके इक्वल रहेगा, इसके वेट के इक्वल। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मास क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और वो फोर्स किसके इक्वल होता है, उसके वेट के इक्वल। तो वो जो फोर्स है, वो जो वेट है, वो कितना रहेगा, एम जी। अगर हमने सपोज करो ये जो दोनों बॉल्स जो बाद में हमने रखी, इसका मास कितना है कैपिटल एम, इन दोनों बॉल्स का मास कितना है कैपिटल एम, तो ये दोनों बॉल्स मिलकर कितना फोर्स अप्लाई करेगी, एम जी फोर्स अप्लाई करेगी, वेयर एम इज मास एंड जी इज, व्हाट इज जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब ये जो मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये हमारा वायर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, इस पर क्या अप्लाई होगा, टेंसाइल फोर्स। लेंथ के अलोंग अगर हम उसको खींच रहे हैं तो उसमें कौन सा फोर्स जनरेट होगा, टेंसाइल फोर्स और टेंसाइल स्ट्रेस। ये पिछली लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अपना वाला अजीज बोहरा, वो टॉपिक्स आ जाएंगे। उसमें हमने टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ा था कि जब उसकी लेंथ के अलोंग फोर्स अप्लाई होता है तो उसमें क्या आ जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये इस पर क्या करेगा, टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो हमने कंसिडर कर लिया कि इन दोनों की इनिशियल लेंथ कितनी थी, एल, इनिशियल लेंथ कितनी थी, एल, और जब हमने ये मास अप्लाई किया तो मास अप्लाई करने की वजह से उसकी लेंथ में कितना चेंज आया, डेल एल चेंज आया, क्लियर है। तो अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्साइलन। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइलन, वेयर सिग्मा इज टेंसाइल, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज टेंसाइल स्ट्रेस एंड एप्साइलन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जो सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स अपॉन एरिया, और एप्साइलन, एप्साइलन की वैल्यू कितनी होती है, डेल एल अपॉन एल, ये वैल्यू होती है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो एज इट इज़ देखो, इसमें कितने अपॉन्स है, 1, 2, 3, 4, तो जो फर्स्ट सेकंड है वो तो एज इट इज़ लिखते हैं उनको। तो जब इनका क्या करेंगे हम, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन, क्या कर रहे हैं हम, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। तो जो फर्स्ट बाई सेकंड है वो तो एज इट इज़ रहेगा, इनटू जो थर्ड बाई फोर्थ है, ये थर्ड बाई फोर्थ, तो जो थर्ड बाई फोर्थ है उसको हम उल्टा करके लिख देते हैं, या डेल एल अपॉन एल लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, एल अपॉन डेल एल, इसको हम क्या लिखेंगे, एल अपॉन डेल एल। अब अगर हमें क्या निकालना है, ए, तो ए हमारे पास एफ की वैल्यू तो है, एफ इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू एम जी, तो एफ की स्पेस पर तो हम क्या लिख देंगे, एम जी। अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये अगर हमारा वायर है तो वायर का ये जो थिकनेस है, इसका जो एरिया है उसी को हमने क्या कहा, एरिया और ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वो एरिया किसके जैसा होता है, ये एरिया कैसा है, सर्कल के जैसा, ये एरिया कैसा है, सर्कल के जैसा। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एल। एल तो क्या है, लेंथ ऑफ वायर, इनिशियल लेंथ ऑफ वायर, वो तो हमें पता है, डेल एल, डेल एल हम मेज़र कर लेंगे कि कितना चेंज आया। तो हमारे पास एम जी, मास हमने कितना लगाया वो है हमारे पास, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, वो वैल्यू हमें पता है। एल, इनिशियल लेंथ हमने कितनी ली थी वो हमें पता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमें गिवन रहेगा, रेडियस और एल तो गिवन रहेगा, तो रेडियस से पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, और इन स्केल की हेल्प से हमारे पास क्या आ जाएगी, चेंज इन लेंथ। इन सभी की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस। अब चेंज इन लेंथ मेज़र कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो चेंज इन लेंथ अगर हमें मेज़र करना है तो देखो, हम इनिशियली क्या करेंगे कि ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल के सपोज़ करो ये जो ज़ीरो है, ये वर्नियर स्केल और ये क्या है, मेन स्केल। तो इनिशियली सपोज़ करो ये हमारी मेन स्केल है, इसका 3 और ये वर्नियर स्केल है, ये है हमारी मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है
वो फिक्स बिल्कुल मेन स्केल के 3 के सीध में है, बिल्कुल दोनों केसेस सीध में, कि ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है 3 मिलीमीटर को, ये लाइन किसको शो कर रही है 3 मिलीमीटर, और ये लाइन किसको शो कर रही है वर्नियर स्केल के 0 को। तो इनिशियली अगर वर्नियर स्केल का 0 3 के सामने है, इसका मतलब इनिशियल रीडिंग उसकी कितनी है 3 मिलीमीटर, इनिशियल रीडिंग कितनी है 3 मिलीमीटर। तो ये जो वर्नियर स्केल से हमें क्या मिल जाएगी इनिशियल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग कितनी हो गई 3 मिलीमीटर। कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वो जो 0 हो वो 1 के सामने हो, हो सकता है वो 0 0 के सामने हो, सकता है वो 0 2 के सामने हो। हम किसी भी कोई एक इस टाइप से इसका अरेंजमेंट करेंगे कि ये जो 0 है उसको किसी एक वैल्यू के सामने एडजस्ट इनिशियली कर देंगे, या 3 4 5 6 किसी के भी सामने, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में ईजी हो। तो अगर सपोज़ करो ये जो वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल का ये जो 0 है ये इनिशियली कहाँ पर है, मेन स्केल के 3 के सामने। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 3 के सामने है, मतलब इनिशियल रीडिंग हमें वो कितनी बता रहा है 3 मिलीमीटर। अब जब हमने इस पर क्या अप्लाई किया मास, जब इस पर हमने क्या अप्लाई कर दिया मास, तो मास क्या करेगा फोर्स अप्लाई करेगा, मास फोर्स अप्लाई करेगा तो ये तार थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, तार थोड़ा सा नीचे जाएगा, तार थोड़ा सा नीचे जाएगा तो ये वर्नियर स्केल भी कहाँ जाएगी थोड़ी सी नीचे, वर्नियर स्केल भी कहाँ जाएगी थोड़ी सी नीचे। तो वर्नियर स्केल सपोज़ करो नीचे आकर इस टाइप से आ गई, तो अब ये वर्नियर स्केल का ये जो 0 है ये लाइन किसको शो करेगी वर्नियर स्केल के 0 को, वहाँ पर रीडिंग लिखी हुई होती है। तो ये 0, ये 0 कहाँ आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, ये तो 3.1234 कितना है 3.4, ये अब कितनी रीडिंग बता रहा है 3.4। लेकिन ये वर्नियर स्केल का जो 0 है वो 3.4 से थोड़ा सा नीचे है, वर्नियर स्केल का जो 0 है वो क्या है 3.4 से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। ये 3.1234 यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 3.4 है, लेकिन इसका 0 वाली जो लाइन है वो 3.4 से 0, इसका मतलब हमारी जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो 3.4 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो 3.4 से अब थोड़ी सी ज़्यादा कितनी ज़्यादा है, तो अब हम ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल की ये जो लाइंस है कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल सीध में है, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के बिल्कुल सीध में है। तो देखो ये वाली तो है नहीं, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, ये वाली हमें लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन है वो मेन स्केल की बिल्कुल लाइन के सीध में है, वो कौन सी लाइन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लाइन है। तो उस थर्ड लाइन की वैल्यू रहेगी 0.03 मीटर, थर्ड स्केल की वैल्यू, थर्ड जो लाइन है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0.03 मीटर। तो इस वैल्यू में हम किसको ऐड करेंगे, इस वैल्यू में 0.03 को ऐड कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3.43 मिलीमीटर। मतलब वर्नियर स्केल प्लस मेन स्केल की रीडिंग को हमने कंबाइन किया तो टोटल रीडिंग कितनी हो गई 3.43 मीटर। पहले इनिशियली तो क्या था कि जो 0 था पहले से 3 के सामने ही था, इसलिए हमने कुछ अलग से ऐड नहीं किया, लेकिन अब ये जो 0 है ये 3.4 से थोड़ा सा नीचे है और 3.5 से ऊपर है, तो मतलब इसकी वैल्यू 3.4 से ज़्यादा है और 3.5 से कम है। अगर ये 0 डायरेक्ट 3.4 के सामने रहता तो हम डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख देते 3.4। ये वाला वर्नियर स्केल का जो 0 है वो अगर 3.5 के सामने रहता तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते 3.5, लेकिन वो 3.4 से नीचे है और 3.5 से ऊपर, मतलब हमारी वैल्यू 3.4 से ज़्यादा नीचे है, मतलब 3.4 से ज़्यादा, और 3.5 से ऊपर है, मतलब 3.5 से कम है। तो कितनी वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम ये देखेंगे कि ये वर्नियर स्केल की जो रीडिंग्स है वो कौन सी रीडिंग, कौन सी रीडिंग मेन स्केल की रीडिंग के बिल्कुल सामने है। तो हमने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाली रीडिंग बिल्कुल उसके सामने थी, इसलिए थर्ड वाली रीडिंग मतलब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0.01 मीटर। तो हमने उसमें 0.03 मीटर, तो 0.03 को ऐड कर दिया तो हमारी रीडिंग कितनी आ गई 3.43 मीटर। तो इनिशियल रीडिंग क्या थी हमारी 3 मिलीमीटर, और फाइनल रीडिंग क्या आ गई 3.43 मिलीमीटर।
मतलब वायर की रीडिंग में चेंज कितना आया, 3.43 में से हम माइनस कर देंगे 3.00 को, तो चेंज कितना आया 0.43 मिलीमीटर। कितना चेंज आया 0.43 मिलीमीटर। इसी वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो मिली, मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10^-3। ये वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। अब ये हमारे पास क्या आ गई, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब डेल एल की भी वैल्यू आ गई, तो डेल एल की वैल्यू हमने रख दी, एम जी एल और पायर स्क्वायर की वैल्यू रख दी। ये सब वैल्यू हम रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस आ जाएगा। तो यही हमारी यंग्स मॉड्यूलस फाइंड आउट करने की एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर पसंद ना ही हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।